हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक थाली में हमने ले लिया है 150 ग्राम पनीर, और अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और छोटा आधा चम्मच नमक। और नमक, हल्दी और सरसों के तेल के साथ पनीर को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो देखिए, हमने पनीर को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अभी गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म करने के लिए चूल्हे पे बिठा देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर, और पनीर को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो चुके हैं, अभी इनको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने पनीर को कढ़ाई से निकाल लिया है, और कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल है उसी में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, साथ ही में डाल देंगे 1 क्रश्ड बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग और काली मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता। और अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अभी इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड किए हुए प्याज। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके ले लिया है, और प्याज को हम अच्छे से भुनेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि ना प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और चॉप्ड किए हुए टमाटर। यहाँ पे हमने 2 टमाटर को चॉप्ड करके ले लिया है, और अभी इन सारी चीज़ों को हम भुनेंगे। प्याज और टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी इनमें हम डाल देंगे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में डाल देंगे 2 चम्मच जीरा पेस्ट। अगर आप लोग चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप लोगों को तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा मिर्च पाउडर डालिएगा। और अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अभी इन मसालों को हम फिर से भुनेंगे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर।
तो अभी मसालों में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इनको भुनेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और 2 से 3 बार मसालों को हम ऐसे ही भुनेंगे। तो देखिए मसालों में से कितना सारा तेल निकला है और इनका कलर कितना अच्छा हो गया है। तो देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अभी इनमें हम डाल देंगे कैप्सिकम। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का कैप्सिकम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। और कैप्सिकम डालने के बाद अभी इनको मसालों के साथ हम मिला लेंगे। तो अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद इनको हम फिर से 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक हमने इनको भुना है फिर से। और अभी इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। लगभग 1 गिलास पानी हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और अभी फिर से मसालों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। तो देखिए ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच शाही गरम मसाला पाउडर। अगर आप लोगों के पास शाही गरम मसाला पाउडर नहीं है तो आप लोग नॉर्मल गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और अभी इनको ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम ग्रेवी में डाल देंगे फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़े। पनीर के टुकड़े डालने के बाद इनको हम फिर से पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि ना ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाए। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे अनियन पेटल्स। और अनियन पेटल्स डालने के बाद इनको हम फिर से पकाएंगे 5 मिनट तक। और साथ ही में डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च जो बीच में से कटा हुआ है। तो लगभग 1 से 2 मिनट तक हमने इनको पकाया है और ये बिल्कुल तैयार है। अभी गैस को बंद कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।